दिल्ली के किराड़ी इलाके में लोग जल भराव की समस्या से परेशान हैं। खाली प्लॉट में भरे पानी में लगातार हादसे का शिकार बच्चे और युवा होते जा रहे हैं। प्रशासन ने कई महीने पहले इस खाली प्लॉट पर भरे पानी के समाधान को लेकर चर्चा की थी, लेकिन अब तक मसला हल नहीं हुआ, जिसके कारण खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने के बाद मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह ब्रिज बिहार इलाके में एक खाली प्लॉट में युवक का शव मिला। युवक का नाम काके, उम्र 36 वर्ष, सोफा बनाने का काम करता था। 3 दिन पहले युवक लापता हो गया। परिवार ने जिसकी शिकायत थाना प्रेम नगर में दर्ज करा रखी थी। आज सुबह गुमशुदा युवक का शव पानी में डूबा हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं किराड़ी के ब्रिज बिहार में जल भराव के कारण एक युवक पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, जहां खाली पड़े प्लॉटों में 7 से 8 फुट गहरा पानी भरा हुआ है। इसमें पहले भी एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। दरअसल मंगलवार की सुबह ब्रिज बिहार में खाली प्लॉट में भरे पानी में 36 साल काके नाम के युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी दिखाई। खाली पड़े प्लॉटों में भरे हुए पानी में डूबने से मौत की खबर मीडिया में कई बार प्रमुखता से दिखाया। ग्रामीणों का कहना है, पहले हुए हादसे के बाद अगर उन प्लॉटों पर कार्रवाई हो चुकी होती तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। हर बार मौत के बाद प्रशासन जागती है और कुछ दिन तक सुर्खियों में रहती है, फिर फाइल बंद हो जाती है। अब देखना होगा इस मौत के बाद क्या दिल्ली पुलिस और यहाँ के जनप्रतिनिधि विभाग में बैठे अधिकारी कोई कार्यवाही करते हैं, या ये मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।